अमेजन और फ्लिपकार्ट पे इस साल की सबसे बड़ी सेल स्टार्ट होने वाली है और अगर आपको अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में एक बेस्ट लैपटॉप परचेज करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और मैंने इस वीडियो में 25,000 से लेके 80,000 के मोस्ट सेलिंग लैपटॉप को इंक्लूड किया है तो भाई इन पे आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो हमेशा की तरह भाई आपको इन लैपटॉप से टूट पड़ना है और अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप बाय करना है। और रिसेंटली मैंने कुछ लैपटॉप के रिव्यूज भी डाले हैं चैनल पे तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो, उनमें भी आपके लिए एक बेस्ट लैपटॉप हो। तो शुरू करते हैं अपने 25,000 के बजट में। इस बजट में आप इन्फिनिक्स के इनबुक Y1 लैपटॉप को ले सकते हो और इसमें आपको इंटेल का कोर i3 10th जनरेशन का सीपीयू मिल जाएगा, 8GB की रैम मिल जाएगी, 512GB की SSD मिल जाती है और विंडोज 11 तो आने वाला ही है और ये 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ में आता है और इसमें आपको 60% NTSC का सपोर्ट मिलता है। इस बजट में आपको एकदम बेहतरीन डिस्प्ले मिल जाएगी और आपको क्या ही चाहिए। फिलहाल इस लैपटॉप की प्राइस 27,000 है और सेल में डेफिनेटली इस लैपटॉप की प्राइस और भी कम होगी। अब अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हो तो इस बजट में आप Acer One लैपटॉप को परचेज कर सकते हो। इसमें आपको इंटेल का i3 11th जन CPU मिल जाता है और 8GB की रैम मिल जाएगी, 512GB की SSD मिल जाती है, विंडोज 11 इसके साथ में आने वाला है, वेट इसका बहुत ही कम रहेगा। अगर आप एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप सर्च कर रहे हो, बजट में आपको एक बेहतरीन मशीन चाहिए तो आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। फिलहाल इस लैपटॉप की प्राइस 28,000 है बट आप सभी को बताइए अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में आपको 2 से 3 हजार का डिस्काउंट मिलेगा तो लैपटॉप लेने वाले के लिए तो बल्ले बल्ले है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपका बजट 35,000 तक है और इस बजट में आप एक बेस्ट लैपटॉप प्लान कर रहे हो तो यहाँ पर आप HP के FC0025AU को ले सकते हो। रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसमें आपको AMD का Ryzen 37320 UCPU मिल जाता है जो की 22 quad core CPU है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही औसम है। इसमें आपको 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाएगी और विंडोज 11 के साथ में आएगा, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है और MS Office भी इसमें फ्री मिलने वाला है। फिलहाल इस लैपटॉप की प्राइस 35,000 है बट सेल में ये लैपटॉप अराउंड 32,000 के अप्रोक्स मिलने वाला है। और एक और जरूरी बात, मैंने इस वीडियो में जितने भी लैपटॉप्स इंक्लूड किए हैं उन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहां से उनकी करंट प्राइस भी चेकआउट कर सकते हो और एड टू कार्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट 40,000 के बजट में चलते हैं। इस बजट में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और कंफ्यूजन लेवल तो भाई बहुत ज्यादा है बट मैं हूं ना भाई आपके लिए एकदम बेस्ट लैपटॉप लाया हूं इस बजट में। इसमें आपको मिलता है इंटेल का कोर i5-11155G7 CPU जो कि आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे देगा और इसमें आपको 8GB की रैम मिल जाएगी, 512GB की SSD मिल जाती है, विंडोज 11 के साथ में आने वाला है और ये लैपटॉप आपको बहुत ही अग्रेसिव प्राइस में मिलने वाला है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपका बजट 40,000 से लेकर 42,000 के अराउंड है तो इस बजट में आप अगेन MSI के मॉडर्न 14 लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो और इसमें आपको राइजन 57530 UCPU मिलता है। इसमें आपको 6 core 12 thread मिल जाते हैं, मीन्स यहाँ पर आपको एकदम पावरफुल CPU के साथ में लैपटॉप मिलने वाला है और प्राइस क्या रहेगी सेल के टाइम में इसकी 38-39,000 के अराउंड रहेगी। 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है और विंडोज 11 के साथ में आएगा और इसका वेट भी 1.4 kg का रहेगा। तो जिन लोगों का बजट कम है और एक पावरफुल मशीन चाहिए जिन पे कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, अपने ऑफिस पर्पज के लिए प्लान कर रहे हो तो भाई ये लैपटॉप आपके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन रहेगा, लिखवा के ले लो मुझसे। अब अगर आपका बजट 45,000 तक है तो इस बजट में आपको Asus VivoBook 16X लैपटॉप को परचेज करना है। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसमें आपको Ryzen 5 5600H CPU मिल जाता है और 8GB की रैम मिल जाएगी जिसको एक्सपेंड कर सकते हो, 512GB की SSD मिल जाती है, MS Office मिल जाएगा, विंडोज 11 के साथ में आएगा, मीन जितने भी जरूरी चीजें हैं वो इस लैपटॉप के साथ में आने वाली है और सेल के टाइम इस लैपटॉप की प्राइस 45,000-44,000 रहेगी। और पिछले कुछ दिनों में ये लैपटॉप मोस्ट सेलिंग लैपटॉप भी रहा है तो इस लैपटॉप के ऊपर डाउट नहीं करना है। अब देखो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है तो अगर आपका बजट 50,000 तक है और 50,000 के बजट में आप बेस्ट लैपटॉप प्लान कर रहे हो, एकदम न्यूली लॉन्च लैपटॉप परचेज करना चाहते हो तो मैं लाया हूं ना आपके लिए एकदम बेस्ट लैपटॉप। इस बजट में आपको लेना है Lenovo का IdeaPad Slim 3। फिलहाल इसकी प्राइस 50,000 है बट सेल के टाइम में भाई ये 47 के अराउंड मिलने वाला है। इसमें मिलता है आपको पावरफुल Ryzen 5 7520 UCPU, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी, 16GB की रैम मिल जाएगी, 512GB की SSD मिल जाती है, विंडोज 11, MS Office, 1 year की वारंटी, अलेक्सा का भी सपोर्ट मिलता है और 3 months के लिए गेम पास ही मिलता है। तो आपका बजट 50,000 का है और आपको एक स्लिम नोटबुक परचेज करनी है तो इसको नहीं छोड़ना भाई। अब भाई पैसे वाले लोगों की बातचीत हो जाए क्योंकि जिन लोगों का बजट 50,000 से ऊपर है उन सभी लोगों को मैं मानता हूँ कि वो पैसे वाले हैं क्योंकि एक साथ 50,000 खर्च करना भाई हर किसी के बस की बात नहीं है अभी भी इंडिया में। तो मैंने आपके लिए बेस्ट लैपटॉप सेलेक्ट किए इस प्राइस ब्रैकेट में। अगर आपका बजट 50,000 से अबव है, 55,000 के बीच में है तो यहाँ पर एकदम न्यूली लॉन्च लैपटॉप आया है Lenovo की तरफ से जो कि है Lenovo IdeaPad Slim 5। इसमें मिलता है आपको इंटेल का कोर i5 12450H CPU और ये 14 इंच की WX
XG डिस्प्ले के साथ में आता है और इसमें आपको IPS पैनल मिलता है, तो एकदम ब्रिलियंट डिस्प्ले मिलने वाली है। और आपको इस लैपटॉप में कोई भी कॉन्स नहीं मिलेगा। 16GB की रैम मिल जाती है जो कि LPDDR5 रैम है। हाँ भाई, LPDDR5 रैम। और इसकी परफॉर्मेंस भाई एकदम आउटस्टैंडिंग लेवल की रहेगी। 512GB की SSD मिल जाती है और ये Gen 4 SSD रहेगी। विंडोज 11 MS Office बैकलिट कीबोर्ड, फुल HD वेबकैम, अलेक्सा, 3 मंथ के लिए गेम पास भी मिलता है। फिलहाल ये लैपटॉप आपको 56,000 की प्राइस में मिल जाएगा और मुझे पक्का बिलीव है आप इस लैपटॉप को 53,000 की प्राइस में परचेज कर पाओगे, बशर्ते आपके पास कुछ क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। और ये लैपटॉप एकदम प्रोफेशनल लैपटॉप है और इस पर आप कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीटास्किंग सब कुछ कर सकते हो। बिलीव मी भाई, इसमें आपको एच क्लास CPU मिल रहा है, तो ये लैपटॉप आपको एकदम इंटेंसिव लेवल की परफॉर्मेंस दे देगा। और चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, हम अच्छे अच्छे अनबॉक्सिंग वीडियोस और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। मैं आपको एक और लैपटॉप रिकमेंड करना चाहूंगा 50,000 के अराउंड। इस बजट में आप ओनर का मैजिकबुक X14 लैपटॉप ले सकते हो। यहाँ पर आप सस्ते में मैकबुक की फील ले पाओगे। अब अगर आपका बजट 55,000 से लेके 60,000 के बीच में है और आपको एकदम पावरफुल मशीन लैपटॉप परचेज करनी है एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में, तो आप इस ASUS VIVOBOOK S15 लैपटॉप को ले सकते हो। इसमें इंटेल ईवो सर्टिफाइड CPU मिलता है और 12500H CPU की परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हो तो आई बटन में वीडियो है, वो वीडियो जरूर से चेकआउट करना। 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, 8GB की रैम मिल जाएगी जिसको आप एक्सपेंड कर पाओगे, 512GB की SSD मिल जाती है, विंडोज 11 के साथ में आएगा, ऑफिस भी फ्री मिलने वाला है, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर और 70 वाट आवर की बैटरी मिल जाती है। फिलहाल इस लैपटॉप की प्राइस आपको ऐसे ही ऊपर नीचे दिखा रही है क्योंकि पिछली सेल में यह लैपटॉप 54,000 के अराउंड सेल हुआ था, तो इस सेल में भी भाई इसी प्राइस में सेल होगा। और अगर आपको ये ASUS का VIVOBOOK S15 लैपटॉप 55,000 के अराउंड मिलता है तो इस डील को भाई मिस मत करना। इसमें आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा, इंटेल ईवो सर्टिफाइड CPU मिलता है, मींस ये लैपटॉप फीचर्स से भरा हुआ है। अब हम सीधा जंप करते हैं 70,000 के बजट में, क्योंकि भाई 65,000 के बजट में कुछ ही लैपटॉप है जिसमें से ASUS के क्रिएटर सीरीज के लैपटॉप आते हैं, तो उनमें आपको RTX 2050 ग्राफिक्स मिल जाता है। कुछ लैपटॉप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनको चेकआउट कर लेना। तो अब अगर आपका बजट 70,000 तक है और इस बजट में आपको एकदम परफेक्ट लैपटॉप परचेज करना है, एक ऑलराउंडर लैपटॉप परचेज करना चाहते हो, तो आप इस डेल G15 5520 लैपटॉप को ले सकते हो। रिसेंटली मैंने इस लैपटॉप का रिव्यू किया है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। इसमें मिलता है आपको पावरफुल इंटेल का i5 12500H CPU, 8GB की रैम जो की DDR5 रैम है, इसको आप और एक्सपेंड कर सकते हो, 512GB की SSD, विंडोज 11, MS Office भी मिलता है, गेमिंग लैपटॉप है और MS Office भी दिया जा रहा है, ये तो पागल है डेल वाले भाई। NVIDIA का RTX 3050 ग्राफिक्स मिल जाता है, फुल HD 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल जाएगी, ऑरेंज बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा। फिलहाल इस लैपटॉप की प्राइस 67,000 है। सेल में इस प्राइस पॉइंट पे आप 16GB वाला वेरिएंट परचेज कर पाओगे। यहाँ पर मैं एक और लैपटॉप रिकमेंड करना चाहूंगा 70,000 के बजट में। इस ब्रैकेट में आप लेनोवो का आईडियापैड गेमिंग 3 भी ले सकते हो अगर आपको एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस सेंट्रिक मशीन चाहिए। अब इस लिस्ट का लास्ट लैपटॉप है लेनोवो का LOQ। इस लैपटॉप में मिलता है आपको इंटेल का कोर i5 12450H CPU, 16GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11 के साथ में आएगा और RTX 2050 ग्राफिक्स मिल जाता है। इसका RTX 3050 वाला वेरिएंट भी ले सकते हो, उसकी प्राइस 78,000 के अराउंड रहेगी, बट ये प्राइस भाई चेंज हो जाएगी सेल के टाइम में, यानी कि आपको इन सभी लैपटॉप्स पे 2 से लेकर 3,000 का डिस्काउंट मिलने वाला है। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है और MS Office के साथ में आएगा। तो ये थे बेस्ट लैपटॉप जिनको आप 25,000 के बजट से लेकर 80,000 की प्राइस में परचेज कर सकते हो और इन पे आपको अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये मेरी तरफ से बेस्ट लैपटॉप है जिनको आप आग बंद करके परचेज कर सकते हो। और मैंने रिसेंटली कुछ लैपटॉप्स का रिव्यू किया है, आई बटन में लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, मैं भी उनमें भी आपके लिए एक बेस्ट लैपटॉप हो। और अगर आपको लैपटॉप्स को लेकर कोई भी डाउट है तो इंस्टा पे आ जाइए और कमेंट भी कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।